उपमंडल के गांव पालड़ी पनिहार के पशु चिकित्सक भूप सिंह यादव का एडीओ के पद पर नियुक्ति किए जाने पर गांव के लोगों ने उनका पगड़ी व स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया। चिकित्सक भूप सिंह यादव ने बताया कि मैंने इस पशु अस्पताल में लगभग 10 वर्षों से अपनी सेवाएं दी हैं और उन्होंने इस दौरान गाँव में मुर्रा नस्ल को घोषित करने में अहम योगदान दिया है। एडीओ के पद पर नियुक्ति होने के बाद भी मेरा मन इस गाँव की सेवा में लगा रहेगा। इस अवसर पर गाँव की ओर से वरिष्ठ पत्रकार मोहन लाल अग्रवाल को दैनिक टाइम्स अखबार का ब्यूरो बनाए जाने पर पगड़ी पहनाकर उनको सम्मानित किया गया। प्रमोशन जीवन का एक हिस्सा होता है, लेकिन मेरा दिल ये है कि जैसा मेरा यहाँ मन लगा ऐसा शायद कहीं और दूसरी जगह न लगे पाए। और इस एरिया के लोगों ने जो मेरे साथ सहयोग किया है और इस गांव को मुर्रा विलेज बनाने में जो किसान भाइयों ने योगदान दिया है वो अस्मरणीय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गांव ने हमारी एक ललकार पे 25 लाख रुपए इकट्ठा करके इस गांव में एक पशु चिकित्सालय का निर्माण करवाया, वो बहुत ही बहुत बड़ा सराहनीय कदम था। इस गांव की उन्नति का सबसे बड़ा मील का पत्थर उसी दिन रख दिया गया था जिस दिन गाँव लोगों ने एक सुर में हॉस्पिटल बनाने की बात कही थी। आप यहाँ गांव के लोगों को और क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ, जैसे पहले ईमानदारी से दूध प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है उससे भी बेहतर पशु और जो है ना कि कृत्रिम गर्भाधान अपना करके तैयार करें और गांव में बार बार दूध प्रतियोगिताओं में हिस्सा लें और अपने गाँव की नहीं पूरे शहर की और आसपास के क्षेत्र में और देश में अपना गाँव का नाम हमेशा ऊपर ही रखें, नीचे ना आने। इस मौके पर उनके साथ अनेकों पशु चिकित्सकों ने उनका एडीओ बनने पर जोरदार स्वागत किया, जिसमें डॉक्टर राम अवतार, डॉक्टर महेंद्रगढ़, डॉक्टर सुदर्शन, डॉक्टर बलजीत, डॉक्टर शमशेर, डॉक्टर कुलदीप, डॉक्टर विनोद, वेद प्रकाश, अरुण, अनिल, राधेश्याम व गांव के रविंद्र, वीरेंद्र प्रधान, संतोष, शादीराम, राकेश कुमार, डॉक्टर रामपाल, सरला यादव, सुमन, आंगनवाड़ी वर्कर कमलेश, संतोष देवी व अनेकों गाँव